इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ हिमजा और आज मैं आपको एक टॉपिक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, विच इज़ कि राग कैसे सीखते हैं हम, ठीक है? या राग हमको सीखनी होती है तो क्या क्या चीज़ें फर्स्टली हम करते हैं एंड देन हम बिगनर्स से एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हैं। एंड जो राग आप सुनते हैं, है ना, गाने में जो आपने जो यूट्यूब पे या कहीं पे भी लाइव आपने जो राग गायकी सुनी होगी, तो वो वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, ठीक है? एंड दिस इज़ अ क्लास रिकॉर्डिंग, सो आई माइट सी हियर एंड देयर, सो इग्नोर दैट, थैंक यू। चलिए तो ओके, तो अब जैसे कि हम स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट राग सीखना शुरू कर रहे हैं, है ना? अब फर्स्ट राग में क्या होता है कि बिकॉज हमने बेसिक ग्रामर कंप्लीट किया है ना, बेसिक ग्रामर हम कंप्लीट करके आए हैं, तो अब वहाँ से हम डायरेक्टली राग की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो फर्स्टली राग गाने के लिए तो आपको आपका आकार अच्छा होना चाहिए, आपके स्वर पक्के होने चाहिए, आपको तानपुरे की नॉलेज होनी चाहिए, है ना, आपको लय ताल लयकारी और इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें उसमें आती है। जो फॉर्मेट अगर राग का है, मैं अगर बताऊँ तो सबसे पहले स्वर विस्तार आता है। अब स्वर विस्तार में हम क्या क्या चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? अगर स्वर विस्तार को हम रागदारी के हिसाब से गाएं, है ना, तो क्या होता है कि नॉर्मली उसको राग विस्तार बोलते हैं, ठीक है? तो उसमें आपके आंदोलन भी आएगा, उसमें आपके हल्के हल्के हल्की मुर्कियाँ भी आएंगी, है ना, उसमें आपके कर्ण स्वर भी आएंगे, ठीक है? फिर अगर हम बढ़ते हैं आगे सरगम गीत की तरफ, तो सरगम गीत तो क्या है कि ताल के साथ में आपको ठा दुगुन चौगुन करनी होती है उसकी, तो आपको वो दुगुन चौगुन आनी चाहिए। अब उसी में ही तिहाई आ जाती है, तो तिहाई इज़ समथिंग जो कि हमारी डायरेक्टली लयकारी से ही जुड़ी हुई है ना, तो वो कैलकुलेशन समझने के लिए आपको लय ताल और उसमें पक्का होना पड़ता है, ठीक है? फिर हम आ जाते हैं लक्षण गीत की तरफ। नाउ लक्षण गीत इज़ सॉर्ट ऑफ वन ख्याल ओनली, आप उसको एक ख्याल की तरह भी गा सकते हो, है ना, एक गीत है वो, ठीक है? तो यहाँ पे हम ख्याल को और हमारे जो नॉर्मल गायन है, सुगम गायन जिसमें आपके गीत भजन गज़ल जो सब आ जाते हैं, उनसे हम बहुत रिलेट करते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। अगर उसको राग का राग के कंटेंट से हटा के उसको इंडिविजुअली देखें तो इट इज़ अ सॉन्ग ओनली, इट इज़ अ भजन ओनली, है ना? तो अब यहाँ पे जैसे आप बेसिक, सबसे फर्स्ट बेसिक, तो आप क्या करते हो कि एक एक नोटेशन को फॉलो कर करके वो लिरिक्स गाते हो, है ना? जैसे कि यहाँ पे अभी अपन राग बिलावल का लक्षण गीत देख रहे थे, एरी चलो सखी राग बिलावल गाएं, ठीक है? अब इसमें क्या जा रहा है, इसकी जो नोटेशंस हैं वो क्या है, जो भाई आपके सामने किताब खुली हुई है, ठीक है? अब आप किताब के अकॉर्डिंगली अगर उस चीज़ को पढ़ पढ़ के और बजा बजा के देख रहे हो तो क्या है, म ग रे ग म प म ग रे ग रे ग म ग रे सा, ये उसका नोटेशन है ना? और इसको अगर हम गाएंगे तो सीधा सीधा एक बिगनर अगर जो फर्स्ट टाइम गा रहा है वो कैसे गाएगा, एरी चलो सखी राग बिलावल गाएं, ऐसे ही गाएंगे, है ना? लेकिन अगर हमको इसी के अंदर रागदारी डालनी है, रागदारी मीन्स सारे जो उसके ऑर्नामेंट्स हैं वो हमको इसमें डालने हैं, ठीक है? तो हम कैसे उस चीज़ को गाएंगे, एरी चलो सखी, है ना, राग बिलावल गाएं, एरी चलो सखी राग बिलावल गाएं, इस तरीके से हम उसको थोड़ा बहुत मोड़ करके और उसको हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? सो दिस इज समथिंग विच वी डू इट फ्रॉम आर एंड, ये सिखाने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपने अलंकारों को अच्छे से आकार के साथ में किया होगा, अगर आपने तानपुरे पे अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी स्वरों की, है ना, अगर आपका माइंड उस क्रिएटिव चीज़ के ऊपर डेवलप हुआ है तो आप इस इन चीज़ों को वो गले से ऑटोमेटिकली आएंगी, ये कर्ण स्वर, अब आप बोलो मैम ये कैसे आएंगे, ये ऑटोमेटिक वाली चीज़ है, आकार की प्रैक्टिस अगर हुई है तो, है ना? लाइक वो गला आपका रेजिस्ट ही नहीं कर पाएगा बिना निकाले, वो फिर निकलेगी ही है ना, अगर आपने आकार की प्रैक्टिस करी है तो, ठीक है? फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं
कि जैसे मान लीजिए अपन छोटा ख्याल गा रहे हैं, है ना। अब अपन छोटा ख्याल डायरेक्टली अगर अपन ले उसको, एक ख्याल है, जाग उठे सब जन तुम जागो, जाग उठे सब जन तुम जागो। अब इसमें मैंने क्या किया, सब के बाद में मैंने थोड़ा सा गैप लिया। बेसिकली अगर इसको सिंपल सिंपल गाना है तो क्या है, जाग उठे सब जन तुम जागो, है ना, ऐसे जा रहा है वो, ठीक है। लेकिन अपन ने कैसे गाया उसको, जाग उठे सब जन तुम जागो, है ना। यानी कि यहाँ पे हल्की सी हमने लयकारी दिखाने की कोशिश करी कि हम एक बीट छोड़ के आगे नेक्स्ट बीट पे दोनों वर्ड को एक साथ बोल देंगे, है ना। फिर नेक्स्ट बीट छोड़ के आगे एक वर्ड को दोनों एक साथ बोल देंगे, है ना। तो ये जो लयकारियाँ हैं, ये जो चीज़ है, ये तभी आती है जब आपकी लयकारी एकदम पक्की होती है, जब आप बिल्कुल ऐसे माइन्यूट लयकारी करने में सक्षम है। जैसे कि अगर आपने उठान की प्रैक्टिस करी है, अब उठान क्या है यहाँ पे कि आपको चौगुना करना है, ठीक है, उस मात्रा से आपको एक ही बार चौगुन करनी है कि वो सम पर आ जाए, ठीक है। अब ये उठान बेसिकली हमारे तबले का पोर्शन है ना, जब अपन तबला सीखते हैं तब का है। उसमें क्या होता है कि कोई भी ताल शुरू करने से पहले एक नॉर्मल सा पीस बजाया जाता है, उसको हम उठान बोलते हैं कि यहाँ से ताल को उठाया जा रहा है। डायरेक्टली अगर धा लगा देंगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो तिरकिरधा तिरकिरधा तिरकिरधा, ये इतनी सी उठान बजा के फिर हमने धा बजाया, तो आपको पता चल गया, अच्छा यहाँ से फर्स्ट बीट चालू हो रही है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें सीखने वाली चीज़, अब इन इतना पेशेंस होता नहीं है हमें कि भाई हम लय को अच्छे से सीखें, लयकारी को अच्छे से सीखें, ठीक है। तो इसीलिए एक बेसिक राग सीखने में या गाने में और एक एडवांस राग सीखने में और गाने में फ़र्क है, ठीक है। अब आपको वो एडवांस, अब हमने शुरू तो कर दी है रागे, लेकिन वो एडवांस वाली राग सीखने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि हम बाय द राग ओनली इन सारे चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कि तिहाई क्या है, उठान क्या है ना, या फिर मुखड़ा क्या है, ठीक है। जैसे अब मुखड़ा मतलब होता है कि जो ख्याल है आपका, है ना, ख्याल जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ सम आ रहा है, उसके बीच की जितने मात्रा जितने लिरिक्स है वो मुखड़ा है, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, एरी चलो सखी राग बिलावल गाएं, तो गाएं पे यहाँ सम आ रहा है, और एरी चलो सखी हमने फोर्थ बीट से चालू किया, तो यानी कि एरी चलो सखी राग बिलावल, ये पांच अक्षर हमारे मुखड़े के अंदर आ जाते हैं, और बाकी फिर सम से हमारा नॉर्मल जो ख्याल है वो शुरू होता है, ठीक है। अब अलग अलग तरीके से अपन मुखड़े भी गाते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने पूछा कि भाई छोटा ख्याल क्या है, बड़ा ख्याल क्या है, तो विद इन द राग हम इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो एक राग अगर आप अच्छे से सीख लेते हो, कोई सी भी, ठीक है, यहाँ पे एज पर आर सिलेबस वी स्टार्ट बिलावल राग, बिकॉज दैट्स द इजिएस्ट राग, है ना। आपको स्वरों को समझने में भी इजी हो जाता है। एंड क्या होता है ना कि लेट्स से मैंने भैरवी शुरू कर दी या मैंने यमन शुरू कर दी, नाउ दोज राग्स हैव अ वास्ट एरिया जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो उस एक्सप्लोरेशन के चक्कर में हम ये कंटेंट पे ध्यान देना भूल जाते हैं, जो उसकी चीज़ें हैं कि सरगम गीत क्या होता है, लक्षण गीत क्या होता है ना, या छोटा ख्याल क्या है, बड़ा ख्याल क्या है, आलाप कैसे बनते हैं, तानों को कैसे बनाया जाता है, ये फिर हम भूल जाते हैं, क्योंकि फिर हमको उस राग को जस्टिफाई भी तो करना पड़ता है। उसके स्वरों को सही से नहीं लगाओगे तो वो राग ही गलत हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि हम साल दो साल अच्छे से बिलावल राग, तो हम बिलावल थाट में अलंकार सबसे पहले शुरू कराए जाते हैं, तो इसीलिए अपन बिलावल राग को भी सबसे पहले शुरू करते हैं, है ना, ताकि क्योंकि आपको वो रागों की नॉलेज है ना, सॉरी, आपको वो स्वरों की नॉलेज है जो शुद्ध स्वर हैं, तो उसमें थोड़ा सा इजी हो जाता है चीज़ों को समझना, है ना, कि भाई आलाप कैसे बनाए जाते हैं, आलाप क्या है, छोटा ख्याल क्या है, मुखड़ा जैसा भी मैंने बोला कि क्या है, तिहाई कब लगेगी, कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी, है ना, कॉम्पोजिशन कैसे करते हैं,
या फिर हमको किसी दूसरे ख्याल को गाना हो, तो हम कैसे पहचानेंगे राग बिलावल को? तो इसलिए क्योंकि आपके उस राग बिलावल से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं सारे, तो आप जब भैरवी शुरू करोगे या यमन शुरू करोगे, भैरव शुरू करोगे, तो इट माइट बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड टू कैच दैट राग। ठीक है, तो इसीलिए अपन बिलावल राग शुरू करते हैं और इसीलिए अपन वो चीज़ों को भी समझते हैं।